वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव और अफर्मेटिव बताए थे और उसमें मैंने आपको बताया था नेवर की पहचान लिखवाई, मतलब नियम लिखवाया था नेवर के लिए। अगर वाक्य में कभी नहीं शब्द आया है तो वहां पे हम नेवर का प्रयोग करते हैं, डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। और एक वचन आ रहा है तो वहां क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस जोड़ देते हैं, अगर बहुवचन आ रहा है तो एस आई एस नहीं जोड़ते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, वह कभी मुझे धोखा नहीं देता है, तो ही नेवर डिसीव मी, इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। ये एक वचन आ रहा है तो क्रिया में एस आई एस लगा देते हैं, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। अब ये आ रहा है, तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो, तो यू नेवर टेल ए लाई, इस तरह से बन जाएगा। वह कभी सत्य नहीं बोलता है, तो ही नेवर स्पीक्स लगाएंगे, ही नेवर स्पीक द ट्रूथ, इस तरह से सेंटेंस हमारे नेवर वाले बन जाएंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस बताएंगे इसमें। तो इसके लिए इंटरोगेटिव क्या होता है, मतलब जैसे हमारा कोई भी वाक्य है क्या शब्द से आरंभ होता है तो वो हमारा इंटरोगेटिव होता है, और दूसरा जैसे क्या के मतलब बीच में आ जाते हैं तो वो हमारा इंटरोगेटिव होता है। पहले देख लेते हैं कि क्या आगे आता है तो किस प्रकार से सेंटेंस को बनाते हैं। उसके लिए कुछ नियम देख लेते हैं। जैसे यदि वाक्य क्या शब्द से आरंभ है, क्या शब्द से आरंभ है, तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, केवल कर्ता के अनुसार डू कॉमा डज को सबसे पहले लिखते हैं, बाद में अन्य शब्द लिखते हैं, वाक्य के अंत में प्रेषण सूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि हमारा सेंटेंस क्या शब्द से आरंभ है तो हम वहां पे क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, डू कॉमा डज को कर्ता के अनुसार सबसे पहले लिखेंगे, फिर कर्ता क्रिया कर्म लिखेंगे, अन्य शब्द लिखेंगे और वाक्य के अंत में प्रेषण सूचक चिन्ह लगाते हैं। फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर लिख देंगे हम, डू कॉमा डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो स्ट्रक्चर से हमें ये फायदा होता है कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो स्ट्रक्चर से हमें ये फायदा होता है कि उसी के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम सेंटेंस को बना लेते हैं। अब देखिए ये आ रहा है, क्या वर्षा होती है, तो यहाँ पे कर्ता के अनुसार डू कॉमा डज को पहले लिखेंगे, ठीक है, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, तो क्या वर्षा होती है, तो ये एक वचन आ जाएगा हमारा। पहले क्या लिख देंगे, डज इट रेन, इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा और वाक्य के अंत में प्रेषण सूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। क्या तुम घर नहीं जाते हो, तो यहाँ हमारा बहुवचन आ रहा है तुम, तो यहाँ क्या लगाएंगे, टू, क्योंकि बहुवचन के साथ टू का प्रयोग करते हैं, तो टू यू नॉट गो टू होम, ये प्रेषणवाचक चिन्ह लगा देंगे, गो टू होम। क्या मोहन पत्र लिखता है, तो मोहन एक वचन आएगा तो क्या लगेगा, डज, तो डज मोहन राइट ए लेटर, इस प्रकार से हमारे सेंटेंस बन जाएंगे।